these things happen in societies, I would like to call on stage Irfan and Party, who will present this in the shape of drama. Irfan and Party. ओ मेरी बेटी, क्या बताऊं, किसको बताऊं हाले दिल? क्या हुआ बाबा जी? देखो बेटी, अब गौर से सुनना। देखो बेटी, एक दफा का जिक्र है, शाम का खाना खाने के बाद तुम्हारे भाई को बहुत तेज बुखार आ गया था। मैं उसको अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा था, तभी अचानक मेरी टांगे ऊपर और सर नीचे हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, तभी से मैं ये टेढ़ा टेढ़ा चलता हूँ, यानी अखल ही है अखल। अच्छा, तो आपने भाईजान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। हाँ बेटी, कुर्बानियाँ ही नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन देखो बेटी, आज वो हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है कि घर में खर्चा है, घर चल रहा है, क्या है घर में। बाबा जी, खर्चा की बात तो छोड़ो, हमारी खबर नहीं लेने आता। हाँ बेटी, लेकिन बेटी मैं उसको ढूंढूंगा और उससे कुछ पैसे लेकर जो मेरे सर पर ये बोझ है इसको हल्का कर दूंगा। बाबा जी, क्या बोझ है? तुम्हारी शादी का बोझ बेटी, और क्या। ओ बेटी, क्या हुआ बाबा जी? देखो बेटी, घर का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। ठीक है बाबा जी। मुझे लगता है शायद ये पुलिस वाला है, ये मेरी कोई मदद कर सकता है उसको ढूंढने। सलाम साहब, सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी, आप कौन? कौन है शख्स? आपका क्या नाम और आपका क्या काम है? जी ना मेरा नाम है और ना ही मेरा काम है। तो फिर क्यों आए हो? देखो, मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? आपका बेटा रहता कहाँ है? वो घर में रहता है। आसमान पे रहते हैं? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना वो घर में रहता है। जाइए जाइए, ना मेरे आपको जाता और ना आपके बेटे को, जाइए उधर दुकानदार से पूछिए। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दुकानदार साहब। वालेकुम सलाम। चाचा जी, कहाँ से आ रहे हो? आपका नाम क्या है, काम क्या है? घर से आ रहा हूँ, ना मेरा नाम है और ना ही मेरा काम है। आप रहते कहाँ हो? मैं घर में रहता हूँ। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है वो कहाँ मिलेगा? उसका नाम क्या है? उसका नाम मंगरू है। वो रहता कहाँ है? वो घर में रहता है। हम भी घर में ही रहते हैं, हम कौन सा आसमान पर रह रहे हैं? आपको कुछ पता है वो कहाँ मिलेगा? मैं आपको जानता हूँ ना, मैं आपके बेटे को जानता हूँ, जाइए खुद ढूंढिए। अपू जान, वो कौन आ रहा है? वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, मैं इससे डर रहा हूँ। पता नहीं बेटा, कोई जाने पहचाने शख्स हैं, चलो बात करके पूछते हैं। क्या देख रहे हो बेटा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तुमको पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माइक्रोफोन। देखो आप गौर से देखना, ये मेरी दो गाड़ियां हैं, वो मेरी फैक्ट्री है और ये मेरे दास नौकर हैं। देखो बेटा, सलाम के बाद हाल चाल पूछ लेते हैं, तुम तो मुझे आते ही फैक्ट्रियां गाड़ियां दिखाने लगे हो, मैंने इनका क्या करना है? देखिए, अभी जो मैंने आपको बोला, अभी काम ही बोला, बोलो आप क्या चाहते हो? अब्बू जान, इसको यहाँ से दफा करो, मैं इससे डर रहा हूँ। हाँ बेटा, अभी कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैं अभी दफा ही हो जाऊंगा, लेकिन बेटा मैंने तुमसे कोई कुछ बात करनी थी। यार, ये जो मैंने इसके फैक्ट्री दिखाई, ये तो मैंने इसको लोगों का ही दिखाया, अगर इसने पैसों की डिमांड की तो मैं क्या दूंगा? इसको आम बात में कहते हैं घर में गोदड़ी बाहर चलाना। हाँ बोलो, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो बेटा, अब गौर से सुनना, घर में बेटी जवान हो गई है, मैं सोच रहा था उसका कहीं पर रिश्ता कर देते हैं। तो कर दो रिश्ता, इसमें क्या सोचना है? देखो बेटा, रिश्ता करने को तो मैं आज ही कर देता, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने सब आपको दे दिया, आप में बूढ़ा हो गए हो, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखिए, मुझे इन फालतू बातों से कोई वास्ता नहीं, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा बेटा आपके हुलिये से डरता है, जाइए यहाँ से। देखो बेटा, तुम भी कभी किसी के बेटे थे,
चलो बेटा मैं चला जाऊंगा, क्या आप एक रात आपके घर में गुजार सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, जाइए यहाँ से। चलो बेटा ठीक है, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं शेर हूँ, शेर शेर की मूंछों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं खा जाऊंगा। अरे बाबा जी। हाँ आ गया बेटी। अब क्या हुआ? क्या बताऊँ, नाफरमान बेटा, नाफरमान बेटा। ये लो फलानी जगह मेरा बेटा है, उसको दे देना। ठीक है, ये लो ये आपके बाबा जी ने बेची है आपके लिए। देखो बेटा, एक दफा का जिक्र है, शाम का खाना खाने के बाद आपको बहुत तेज बुखार आया था, फिर मैं तुमको अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा था, तभी अचानक से मेरी टांगे ऊपर और सार नीचे हो गया। उसी दिन से मैं टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ और उसी वजह से मेरा हुलिया बिगड़ गया। हमको तो तौबा करना चाहिए, तौबा। अब्बू जान अब क्या करें, हमारा तो सब कुछ लूट गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा बेटा, हम अब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। देखो बेटी, अब जो हमारे पास ये जमीन है ना, मैं सोचता हूँ उसको बेच देते हैं, और जो उससे पैसे आएंगे उससे तेरी शादी कर देंगे। ठीक है बाबा जी। ठेकेदार साहब इधर आओ। जी हाँ बताओ। क्या आप मेरी जमीन खरीदोगे? हाँ बताओ कितनी है? दो कनाल कम दस मर ले। कितनी कीमत है? ना कम तो ना ज्यादा। तब भी कितनी? ना दस रुपए कम तो ना दस रुपए ज्यादा। अच्छा अच्छा। हेलो बेटी, ओ बेटी इधर आओ। जी क्या हुआ बाबा जी? ये लो पैसे, इनको संभाल के रखने है, तेरी शादी के काम आएंगे। संदूक के नीचे रखो या संदूक के ऊपर? जहाँ मर्जी है वहाँ रखो। कुछ नहीं बनता आजकल, घर के तमाम डंगर मुर्गी मुर्गियाँ सब बेच दी, अब बीड़ी सिगरेट पूरी नहीं होती। अब इन मेरे हमसायों ने जमीन बेची है, फंदा लगा कर उनसे चुरा लूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। हा हा हा, पेंट लगाऊंगा, कमीज लगाऊंगा। अरे मुझे लगता है ये पुलिस वाला है, अब क्या करूं, मैं यहीं से भागूं। वहां से कोई जा रहा है, पक्का कोई चोर ही। बेटा अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास खाली कपड़े बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? क्या करें? बस अब हमारे पास कुछ नहीं, अब मेरे पता नहीं, मेरी पत्नी भी पता नहीं कहाँ हो गई। आपके घर में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? जनाब कौन से पैसे, आप अंधे हो जनाब, कौन से पैसे? ये इतने सारे आपके पीछे आपने छुपा के रखे हैं, ये कहाँ से आ गए? जनाब मैंने बोला ना, मैंने ये पैसे नहीं लाए, पता नहीं जनाब ये कहाँ से आए। ये क्या यहाँ फिर आसमान से आए? देखिए जनाब, एक दिन मेरा बाप मुझसे पैसे लेने आया था, मैंने उनको नहीं दिए तो मैं इतने पैसों का क्या करता। बताइए पैसे कहाँ से आ गए, जल्दी बता। देखिए जनाब, पता नहीं किसी चोर ने रखे होंगे, इधर तो मुझे फंसाया, मैं माँ बाप की नाफरमानी भी करता था, शायद मेरे माँ बाप ने मुझे बददुआ दी होगी और मुझे फंसाया। अच्छा तो तू माँ बाप का नाफरमान है। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चोरी किसी ने की, फंसा कोई, जब तहकीक हुई तो पता चला माँ बाप का नाफरमान बेटा, ये खुद बेटे ने भी तस्लीम किया। क्या चोर को इसके अलावा कोई और नहीं मिलता? यही क्यों मिलता? ये अल्लाह का करना था कि इसने माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह ने इसे सजा दिलाना चाहा। मैं तमाम भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी से बचो, वरना दर दर की ठोकरें खाओगे। शुक्रिया।